Guys, today's video is, as the title mentioned, business books that you should refer, business magazines that you should always follow to stay updated with the fashion industry and all the current updates. आज वेदर बहुत अच्छा है एंड आई वॉज रीडिंग दिस बुक माइंडसेट. आई एम अ बिग रीडर, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पहले बहुत ज़्यादा रीड करती थी, बट अब थोड़ा कम हो गया है. सिंस व्हेन आई वॉज इन पुणे तो मैं बहुत ज़्यादा रीड करती थी व्हाइल ट्रैवलिंग, व्हाइल एनीथिंग, जॉब से घर पे आना, वो बीच में का जो टाइम था उस दौरान भी. बट सिंस आई हैव शिफ्टेड हियर तो थोड़ा कम टाइम मिलता है. बट नाउ आई स्विच बैक टू द रीडिंग पार्ट एंड करंटली मैं ये माइंडसेट वाली बुक पढ़ रही थी. इट इज़ अबाउट बिजनेस एज वेल. वॉट इज द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम इज बुक्स. टॉकिंग अबाउट द करंट फैक्ट ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस और मेकिंग अ ब्रांड. सो एज वी सी क्या जमाने के साथ बदलना पड़ता है. वी हैव टू अडैप्ट न्यू थिंग्स एंड हैव टू नो न्यू स्ट्रैटेजीज, हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के ज़माने में बिजनेस कैसा चलता है. पहले ऐसा होता था कि यार हो गया ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वही शॉप चालू कर दी, लोग आ गए, हो गया बिजनेस. इट इज़ नॉट दैट सिंपल राइट नाउ. अभी ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पीपल हैज दी पावर टू गिव फीडबैक. रिसेंटली जो बोर्नविटा के कॉन्ट्रोवर्सी हुई है वो एक बेस्ट एग्जांपल है दैट वन सिंगल वीडियो कैन जस्ट ब्रेक योर ब्रांड. आज का जमाना कुछ अलग है. इफ यू वांट टू अडैप्ट द न्यू थिंग्स द बुक्स आर द बेस्ट रिसोर्सेज. सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू फ्यू बुक्स टुडे दैट यू कैन रेफर. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक्स इज मैंने कभी भी ये बुक्स खुद से परचेस नहीं की है. देयर वॉज दिस ब्यूटिफुल कैफे इन पुणे कथा डेक्कन में, बहुत सारे लोग जानते होंगे अगर आप पुणे से हो तो. तो ये जो एक कैफे था कथा करके पुणे में, तो दैट कैफे हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक शेल्फ था पूरा. एंड मेरे कॉलेज के पास में था तो संडेज को हमें मेस नहीं अवेलेबल होती थी, तो मैं एवरी संडे मैं वहाँ विजिट करती थी. एनी वे मेस में तो खाना मिलने ही नहीं वाला है, तो वहाँ जाके खा लेंगे. एंड थोड़ा कॉस्टली था तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती थी रोज़ रोज़ उसे. बट मुझे बुक्स वहाँ के बहुत पसंद आते थे पढ़ना. मैं एवरी टाइम वहाँ जाके दो चार घंटे कैसे चले जाते थे, वहाँ से कुछ ऑर्डर कर लो, कितनी भी देर तक बुक्स पढ़ते बैठो. इट वॉज लाइक दैट. नन ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ माई मेमरी. तो या वहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं व्हेन आई वॉज इन पुणे एंड आई वॉज स्टडी. सो या लेट्स जस्ट स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू अवर वीडियो. अगर आप बुक रीडर नहीं हो तो भी ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स अबाउट द बुक्स. समरी में मेंशन करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो. अगर आप वो बुक पढ़े भी ना तो भी उस बुक में एक्जैक्टली क्या नॉलेजेबल है वो मैं आप लोगों को पहुंचाने की ट्राई करूंगी. द वेरी फर्स्ट बुक एंड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर इज माइंडसेट. इस बुक में आप सीखोगे कि किस तरह से हमारी बिलीफ हमारी लाइफ को शेप कर देते हैं. आप देखोगे कि महान लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी और फील्ड में हो, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो गए. हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड हो पर सारे के सारे टैलेंटेड नहीं थे. उनका भी किसी वक्त फिक्स माइंडसेट था. ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके उन्होंने ग्रेटनेस को अचीव किया. आप समझोगे कि क्या चीज एक पर्सन को दूसरे से अलग करती है. आप देखोगे कि कैसे माइंडसेट हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं, फिर चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव. आप ये भी जानोगे कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है. ये बुक बहुत सारे रिसर्च पर बेस है. ऑथर ये भी बताते हैं कि किस तरह हम अपने माइंडसेट को पहचान कर उसको चेंज कर सकते हैं. ऑन नंबर 2 आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बुक रिवर. अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने अगर दो लोगों को रखा जाए जिसमें से एक ने एमबीए किया हो और एक ने रिवर बुक रीड करी हो, तो मार्क क्यूबन उसे अपने पैसे देंगे जिसने रिवर बुक रीड करी हो. इतनी अच्छी है ये बुक. तो चलिए जानते हैं इस बुक में एक्चुअली में है क्या. आज की हमारी जनरेशन ने बिजनेस के साथ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, रेवेन्यू, फंडिंग और आरओआई जैसे कई नाम जोड़ के खामखाई उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. इसलिए आज मैं बेसकैंप के फाउंडर जेसन फ्रीड की लिखी बुक रिवर में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप सीखेंगे कि कैसे डिग्री सर्टिफिकेट, साइनी सूट और लग्जरियस ऑफिस के बिना भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि जेसन फ्रीड ने खुद इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही बिलियन डॉलर एम्पायर बेसकैंप को बिल्ड किया है. आज वर्ल्ड वाइड 3.3 मिलियन से भी ज्यादा कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बेसकैंप यूज करती है. और बिलियन डॉलर का वैल्यू होने के बावजूद भी अभी बेसकैंप में सिर्फ 56 एम्प्लॉइज काम करते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो भी हो रही है. तो चलिए जानते हैं वो चार प्रिंसिपल्स जो जेसन फ्रीड ने बेसकैंप को बिल्ड करने में यूज किए हैं, जो आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. और नंबर 3 इट्स 0 to 1. इसको पीटर थेल ने लिखा है. 0 to 1 तक जाने का मतलब है कुछ ना होने से कुछ होने तक पहुंचना. ये एक बहुत बड़ी जंप है, बल्कि ये 1 to 10 या 1 to 100 से भी ज्यादा बड़ी जंप है. 0 to 1 तक जाने का ही मैजिक है जो आपको डार्कनेस को खत्म करने में हेल्प करता है. इस बुक में पीटर ने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए अपना एक्सपीरियंस शो करते हुए आइडियाज और सजेशन दिए हैं. न्यू इनोवेशन की पावर को अनलॉक करना ही प्राइमरी गोल है. और इस गोल तक पहुंचने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को पुराने तरीकों को क्वेश्चन करना, मोनोपोली यानी एकाधिकार को अडॉप्ट करना और अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे पर अपना कंट्रोल करना है. पीटर के यूनिक होने का एक रीजन है कि वो मोनोपोली को एंथुसियास्टिक वे में अपनाते हैं. जस्ट आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस 3 बुक्स यू शुड रीड this magazine which is Forbes. This is a very famous and a popular magazine to understand the business updates and ye har week publish hoti hai. Another 2 are very famous fashion magazines, Grazia and Vogue. Just because I am into fashion business to main ye do magazines ko follow karti hu. If you are into another business like jewelry or something to aap us particular magazine ko follow karo jo aapke business ke bare mein updates deti ho. बट मेक श्योर कि आप एक या दो ही मैगजीन्स को फॉलो करो, उसके हर एक पब्लिश आर्टिकल्स को फॉलो करो टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल अपडेट्स. दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. आई विल सी यू टुमारो इन FAQ वीडियो. Until then, be a reason, someone smile and keep smiling.